हेलो क्यूटीज, दिस इज योर मेकअप लवर खुशी आयुष तेरू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग, आई होप ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माय पर्पल हॉल की मैंने पर्पल से क्या क्या मंगाया है। सो चलो फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एज यू कैन सी मैंने इतना सारा सामान मंगाया है एंड इसके अंदर मेरे सारे एसेंशियल्स हैं एंड कुछ चीज़ें मैंने रीस्टॉक की हैं। सो वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे 50%, 30%, 20% एंड 10%, मतलब यही सब रेंज में मुझे ऑफ मिला है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ हो रही है कि जब भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ ना तो क्या होता है ना, वो लिंक जो है क्लिक नहीं हो पाता है, वो लिंक जो है ब्लू नहीं हो पाता है। तो पर्पल करके और उसके पीछे जो है कोड लिखा होता है, तो अगर आप पर्पल पे वो कोड लिखोगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो या मैं आपको यही बताना चाह रही थी। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले एज यूजर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आनी वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। और हाँ, अगर आपको हल्की सी फैन की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं फ़ैन के बिना रहूँगी तो मेरा मेकअप पसीने की तरह उतर जाएगा, फिर मैं भूत लगूंगी तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे मैं कितनी बकवास करती हूँ, चलो छोड़। सबसे पहले मैंने मंगाया है ये मामा अर्थ का, एज यू कैन सी ये मामा अर्थ का मैंने मंगाया है हेयर अनियन ऑयल। इसके अंदर है अनियन एंड रेड सेल्स एंड इसके रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छे सुने थे एंड मेरे हेयर भी बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं तो मुझे एक अच्छा सा तेल लेना था, तो इसका मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छा सुना था, दैट्स वाई मैंने इसको परचेज़ किया। बट मैं आप लोग को बताऊँगी कुछ महीनों बाद इसका रिजल्ट देख के। ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको इस टाइप का मिल जाएगा, छोटा सा ट्यूब टाइप, यहाँ पे एक पतला सा ट्यूब दे रखा है आपको ताकि यू नो व्हाट, आप अपनी मांग निकालें एंड देन यहाँ पे ऐसे लगा लें एंड देन यू कैन जस्ट मसाजिंग इट। तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा इसका कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको जब यूज़ करूँगी तभी आपको रिव्यू दिखा पाऊँगी। तो इसका प्राइस वो है 299 रुपीज़, बट फॉर श्योर मेरे को सेल में मिला था, तो एक्जैक्टली मेरी इतनी मेमोरी नहीं है कि मुझे हर एक प्रोडक्ट का याद हो, बट हाँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। सो फर्स्ट था मेरा ये मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल। उसके बाद सेकेंड मैंने मंगाया है ये एम कैफिन का कॉफ़ी अंडर आई क्रैम, एज यू कैन सी अभी तो मैंने मेकअप कर रखा है बट मेरे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए क्योंकि थोड़ा रात में जग जग के अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ एंड यू नो व्हाट, जब रात में हम लोग जगते हैं एंड सुबह जल्दी उठ जाते हैं एंड तो डार्क सर्कल्स हो ही जाते हैं, तो मेरे काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं एंड मैं नहीं चाहती मेरे डार्क सर्कल और ज़्यादा भयानक दिखे, दैट्स व्हाई मैंने ये मंगाया। इसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा था, तो लेट्स ओपन। इस टाइप की आपको पैकेजिंग मिल जाएगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का कार्ड मिल जाएगा, इसके अंदर लिखा है एम कैफिन एंड हाउ टू यूज़, एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा इसका दे रखा है कि इसको कैसे यूज़ कर दे, शेक इट वेल बिफोर पंप एंड स्लिक अप्लाई एंड मसाज दैब एट द एक्सेस। ओके समझ गए, पंप द स्टिक अंटिल द कम्स आउट। हाँ इसमें एक चीज़ है कि इसको तब तक दबाते रहो जब तक इसका प्रोडक्ट बाहर ना आए, वो चीज़ तो हमें भी पता है, इतना दिमाग तुम्हारे पास होता है। प्रोडक्ट देख लो कितना सुंदर सा है ना, एकदम लॉन्ग सा स्लिम सी पैकेजिंग, ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड यू वॉट, मुझे इसकी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी एज यू कैन सी। ये जो आपको दिया है ना स्टील का बॉल टाइप है, ये पूरा जो है राउंड है, ये घूम रहा है, ये मूव कर रहा है, तो अगर आप प्रोडक्ट लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से ये मसाज करेगा एंड आपके जितने भी डार्क सर्कल्स हैं एंड यहाँ पे फाइन लाइंस है उसको भी रिड्यूस करेगा। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 15 ml, विच इज़ नाइस, चलो ठीक है। इसको बेसिकली आपको क्या करना है, रात में स्किन केयर के टाइम अप्लाई करना है, तो सेकेंड परचेस मेरा ये था। सो थर्ड मैंने मंगाया ये मामाअर्थ का जेल, ये मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए था। इसके अंदर है विटामिन ई एंड एलोवेरा, ये स्किन और हेयर एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है फॉर स्किन एंड हेयर एंड सेल पे चल रहा था तो मैंने कहा चलो इसको ग्रैब कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइस है 390 रुपीज़ है, बट फॉर श्योर सेल में आपको इस कम का ही मिलेगा। इसकी जो नेट क्वान्टिटी है वो है 300 ml, विच इज़ बहुत सारा एंड इस टाइप का आपको मिल जाएगा। इसको फॉर श्योर मैं अपने हेयर पर अप्लाई करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ दिनों में गंजी होने वाली हूँ एंड ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, एज यू कैन सी मतलब देख रहे हो, आहा इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है एंड एज यू कैन सी कितनी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। सो मेरा थर्ड परचेस ये था। उसके बाद मैंने मंगाया था एक फेशियल ऑयल, मेरे पास काफ़ी टाइम से नहीं था एंड मुझे ख़रीदना भी था क्योंकि हम सबको पता है फेशियल ऑयल्स कितना ज़रूरी होता है स्किन के लिए एंड काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, तो ये है गुड वाइब्स का
मैंने अभी तक जितने भी सीरम्स लाइक यूज़ करे गुड वाइब्स के ज़्यादा यूज़ करे एंड काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो ये गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल, ये आलमंड वाला है एज यू कैन सी। इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, लाइक आपका मेकअप सूख जाए, लाइनर या फिर लिपस्टिक या कुछ भी, तो इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हो। आप अपने शेविंग जो फेशियल हेयर होता है उसको रिमूव करने से पहले एंड बाद में, एंड काफ़ी सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी द पैकेजिंग कितना क्यूट है। एंड इसका जो प्राइस है मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है 265 रुपीज़ है एंड इसके अंदर आपको 30 ml मिल जाता है। एंड सी द पैकेजिंग, काफ़ी लाइट वेटेड फार्मूला है। इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो हाँ, आलमंड सी आ रही है एंड हल्की सी केमिकल की फ्रेगनेंस आ रही है, एकदम हल्की सी माइनर, बट इसके अंदर आलमंड की ज़्यादा आ रही है। सो या सो उसके बाद मैंने मंगाया है रोज़ वाटर, ये है गुलाबरी का, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था इसलिए मैंने इसको बाय किया। एंड यू नो व्हाट, मेरा जो रोज़ वाटर है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी इसको इसके अंदर फिल करके एंड स्प्रे करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड बिना रोज़ वाटर के, बिना कोई अच्छे से मिस्ट के आप इस गर्मी का सामना नहीं कर सकते। ये देखो कान का गिर गया मेरे। एंड आप क्या करो, कोई सा भी रोज़ वाटर या मिस्ट आप अपने फ्रिज में रख लो एंड देन ठंडा ठंडा उसको अपने स्किन पे अप्लाई करो, इतना अच्छा लगेगा लगेगा आ हाँ हाँ, जन्नत ही जन्नत। इसके बाद मैंने मंगाया है ये मामाअर्थ का। आप लोग सोचोगे मामाअर्थ का कितने सारे हैं, बिकॉज इस बार मुझे मामाअर्थ का ट्राई भी करना था एंड सेल भी था, दैट्स व्हाई मंगाया। मैंने पर्टिकुलर ब्रांड चुन के नहीं, जो जो मुझे चाहिए था मैंने वही मंगाया। सो मामाअर्थ का ये भी मुझे काफ़ी टाइम से यूज़ करना था एंड मेरे पास लिप बाम भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे पास एक था कौन सा, न्यूट्रीजिना का था, तो वो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा वाई नॉट एक मंगाया जाए। एंड यू नो व्हाट, इसको आप अपने चिक्स पे, लिप्स पे, आईज़ पे, हर जगह अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी मल्टीपर्पज़ है। अगर आपको 2 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है एंड इसका जो प्राइस है 299, बट सी द पैकेजिंग। एंड इसमें मेरा जो शेड है, इसमें मैंने शेड जो है चेरी करके मंगाया था, बट इसमें कुछ लिखा नहीं है कि मेरा शेड क्या है। yes. चेरी शेड ही एंड ये मैंने मंगाया है। उसके बाद मैंने मंगाया है ये एसेंशियल ऑयल, ज़िंदगी में पहली बार मैं ट्राई करूँगी। बेसिकली इसको भी आप काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, लाइक योर फेस पे, हेयर पे। एंड इसकी फ्रेगनेंस मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसको मंगाया लेवेंडर में, एज यू कैन सी। बट इसको मैंने बहुत छोटे वाले पैक में मंगाया। इसको जो प्राइस है गैस 310 रुपीज़ है, बट फॉर श्योर सेल में आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। बहुत ही क्यूटू छोटू सी इसकी पैकेजिंग, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सीधा कितना क्यूटू सा छोटू सा है, एज यू कैन सी। मेरे पास काजल भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मंगाया ये ब्लू हेवन का 2। ये एक्चुअली मेरे को 2 नहीं चाहिए था, बट उसमें लिखा था मैक्सिमम 2 क्वांटिटी, तो मेरे को 2 मंगाना ही पड़ा। बट ये जो काजल है ना, ये मतलब काम आ जाते हैं, वेस्ट नहीं होते हैं एंड काफ़ी सारे मैं लुक भी क्रिएट करती हूँ, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया मुझे, आई थिंक मुझे 88 में 2 मिल गए हैं, या मतलब आप देख लो 88 में 2 मिल गए हैं एंड लाइट भी चली गई। उसके बाद मैंने मंगाया है मॉइस्चराइज़र, ये है पॉन्स का सुपर फ्रेश जेल नॉन स्टिकी हाइड्रेटिंग ग्लो मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी फार्मूला है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी मैंने साइड से हल्का सा इसको ओपन किया है, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रही है। मतलब यू नो व्हाट, जिसकी ऑयली स्किन है वो तो इसको आँख बंद करके ले ले, बिकॉज ये नॉन स्टिकी है, तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं करेगा। सो या उसके बाद मैंने मंगाया है ये लाइनर अगेन ब्लू हेवन का, ये है इंस्टेंट आई लाइनर ईजी स्केच, एक्सट्रीमली ब्लैक है, तो इसको हम लोग लाइक ऐसे वाला है, ऐसे इसको मैंने ओपन किया, लेट्स सी। काफ़ी अच्छा प्रिसाइज एंड पतला है, एज यू कैन सी दिस इज़ सो जेट ब्लैक। एंड इसका जो प्राइस है 170 है इसमें, एंड इसको और इसके अंदर आपको 1 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड जिनको लिक्विड आई लाइनर लगाने में बहुत परेशानी होती है, फैल जाता है या नहीं लग पाता है, उनके लिए जस्ट बेस्ट है, गो फॉर इट, बिकॉज ये स्केच की तरह होता है एंड काफ़ी प्रिसाइज होता है, तो आप लगाओ एंड देन ये लाइक 1 सेकेंड में सूख जाता है। उसके बाद मैंने मंगाई स्ट्रीक्स का सीरम, ये काफ़ी अच्छा है एंड मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हेयर को मैनेज करता है, फ्रिज फ्री बनाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसका जो प्राइस है 320 रुपीज़ है, बट ये सेल में मिला था एंड इसको मैंने बड़े वाले, मेरे पास छोटा वाला भी था जो आपने मेरे को वीडियोस में देखा होगा यूज़ करते हुए, तो इसलिए मैंने इसका बड़ा साइज मंगा लिया, ये है 115 ml। सो ये काफ़ी अच्छा है। एंड एक और आता है स्ट्रीक्स का, वो ब्राउन कलर का होता है, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बट ये प्रोफेशनल वाला मेरे को काफ़ी ये है। उसके बाद मैंने मंगाया है ये कार्मेसी का फेशियल हेयर रिमूवर, ये कॉम्बो है, एक आपको फेशियल रेजर मिल जाएगा एंड एक आपको आईब्रो रेजर मिल जाएगा। मेरे को चाहिए था ऐसा,
जिसमें मेरे को एक आईब्रो एंड फेस के लिए मिल जाए, एंड ये मेरे टाइप का था, एकदम परफेक्ट कॉम्बो था। तो जस्ट मैंने इसको बाय कर लिया बिकॉज यू नो वट, मैंने आज तक अपने फेस को शेव नहीं किया है, जी हाँ, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है कि कैसा होगा। बट या मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। लुक एट दिस, एक आपको मिल जाएगा फेशियल रेजर, एंड लुक एट द पैकेजिंग, बहुत ही ज़्यादा स्लिम, एंड यू नो वट, आप लाइक ऐसे करके फेशियल कर सकते हो। एंड एक आपको तो क्यूट सा छोटू मोटू सा मिल जाएगा, सी कवर आया हर किसी के साथ, एंड एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, तो आपकी ब्राउज बहुत अच्छे से डिफाइन हो पाएगी फॉर श्योर। इसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आया है अगेन काजल, वो है मामा अर्थ का। मैंने मंगाया मामा अर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था तो मैंने सोचा चलो मंगा के देखते हैं। ये जेट ब्लैक है एंड इसके अंदर आपको क्वान्टिटी 1.2 ग्राम मिल जाएगी, एंड ये इस टाइप से ओपन होता है, एंड मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। लुक एट, काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसे टच करते ही बहुत बटर की तरह ग्लाइड होता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा शार्पनर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एज यू कैन सी। इससे आप अपना काजल एंड जो लिप लाइनर्स होते हैं वो भी आप इससे शार्प कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मंगाया लिप ग्लॉस, एक मिनट, मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस था, ये पूरा ट्रांसपेरेंट था, बट मैंने इसको इतना यूज़ किया कि ये पिंक शेड में लाइक लिटरली देख रहे हो एकदम कन्वर्ट हो गया। बट ये लिप ग्लॉस बहुत अच्छा था ट्रांसपेरेंट, तो मैंने सोचा स्विस ब्यूटी के और ग्लॉसेस ट्राई करते हैं। तो मैंने मंगाया है ये लिप ग्लॉस शाइन एंड प्लम्पी, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी स्लिम सी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी, एंड इसकी वॉन्ड बहुत अच्छी है, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा शिमरी एंड शाइनी है। बहुत अच्छा मुझे लगा इसका जो 2 फुट का एप्लीकेटर है जो कि बहुत अच्छे से लिप ग्लॉस अप्लाई करता है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने मंगाया है ये ब्लू हेवन का बटर जेली, ये मेरे को बहुत क्यूट लगा था, दैट्स वाई। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देखो कितनी प्रिटी है ना, लिटरली अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे अच्छे से काम कर रही है तो वो है ब्लू हेवन। काफ़ी अच्छे से अपने प्रोडक्ट को पहले से और बेटर बना रहे। लुक एट द पैकेजिंग, टेंटेना इस टाइप से ये ओपन होता है, एंड देन ये ब्लू कलर का रॉयल ब्लू कलर है, एंड पूरा मैट है, एंड काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। एंड इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसमें जो मेरा शेड है वो है डस्की रोज़, एंड यू नो वट, इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 200 रुपीज़, बट ये आपको 90 to 80 रुपीज़ में पर्पल पे ये मिल जाएगा। सो या इतना अच्छा डील मिल रहा है। सो लुक एट द पैकेजिंग, कितनी प्रिटी सी स्लिम सी है, ट्रांसपेरेंसी, एंड पिंक कलर है जो कि मेरा फेवरेट है। एंड एज यू कैन सी द प्रोडक्ट, इसमें आपको इस टाइप का जेली मिल जाएगा जो कि बहुत क्यूट लगता है। लुक एट द, इसके अंदर आपको हल्की सी टिंट मिल जाएगी, एंड ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, एंड इसके अंदर जो है जोजोबा ऑयल की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, एंड इसके अंदर लिखा भी है कि इसके अंदर जोजोबा ऑयल, एंड आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। तो ये मेरा लिप बाम था, अगर आप अफोर्डेबल रेंज में कोई अच्छा लिप बाम ढूंढो ना, जस्ट गो फॉर इट, काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है। उसके बाद मैंने मंगाई ये पर्पल की लिपस्टिक, ये शायद उनकी न्यूली लॉन्च लिपस्टिक है। लुक एट द सबसे पहले पैकेजिंग, सो ब्यूटिफुल, इसमें जो मेरा शेड है वो है 02, एंड इसमें आपको 6.5 ml का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगेन जैसा स्विस ब्यूटी का वॉन्ड था वैसे ही इसका वॉन्ड है, बहुत प्रिटी सा ऐसे, एंड मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे यू कैन सी द शेड, ब्यूटीफुल ऑरेंज कोरल टाइप शेड है, बहुत प्रिटी लगता है। इसको आप एज अ चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो जो कि बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा। मैट लिक्विड लिपस्टिक है, एंड दिस इज़ अ वाटर प्रूफ एंड नॉन स्टिकी, वो तो मैं वीडियोज़ में यूज़ करूँगी तब आप लोग देख लेना। सो यार क्यूटीज, आपको ये छोटू मोटू सा मिनी हॉल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो यार मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना खूब सारा ध्यान रखो, एंड या बाय।